आज मैं बता रही हूँ आपको समर के लिए नेक डिज़ाइन। तो यहाँ पे ये बहुत लाइट सा डिज़ाइन है, इसको बहुत आराम से आप तैयार कर लेंगे बहुत कम वक्त में। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा मटेरियल की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी लेस का इस्तेमाल करा है हमने। और ये अंदर का जो कपड़ा है ये भी ट्राउज़र वाला लगाया है हमने। तो चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए शर्ट की कटिंग हुई हुई है, और इसमें हमने अभी नेक कटिंग नहीं करी है क्योंकि हमें फ्यूजिंग पे बनानी होगी, तो इसको अभी हम साइड में करेंगे। और अपने फ्यूजिंग पेपर पे पहले हम गले को ट्रेस करेंगे। यहाँ इस तरह मैंने 9 इंच चौड़ी बुकरम ली है, तो चौड़ाई हमारी 9 इंच है। अब इसको हम यहाँ पर डबल कर लेंगे। तो यहाँ 3.5 इंच पर हम नेक का निशान लगाएंगे, और इसी तरह हम गले की जो गहराई है वो भी 3.5 इंच रखेंगे। और लंबाई यहाँ पर हम रखेंगे तकरीबन 8 इंच। अब यहाँ से मैं इसको 1 इंच का मार्जिन दूंगी। रखनी है मैं यहाँ से, हम इसको 1 इंच का रख के और इसको यहाँ से कटिंग कर देंगे। इस तरह हमने नेक कटिंग कर ली है, लगा लेंगे इसके साथ। यहाँ देखिए मैंने इसको इस तरीके के साथ लगा लिया है। यहाँ पे कट लगा लेंगे, तो यहाँ सिलाई लगा के मैं इस तरह फोल्ड कर लेती हूँ इसको। तो यहाँ देखिए हमने सिलाई लगा के इसके किनारे जो हैं वो दबा लिए हैं। अब यहाँ पे मुझे शर्ट के साथ लगाना होगा इसको। पहले सेंटर का निशान लगा लेते हैं, हम इस तरह से रखेंगे, और ये गले को हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे बिल्कुल बराबर मिलाते हुए। तो यहाँ पे अभी हम इसको पिनअप कर लेते हैं। पिनअप करने के बाद फिर हम जब सिलाई लगाएंगे तो हमें ज़्यादा संभालना नहीं पड़ेगा कपड़ा। तो ये देखें मैंने पिनों से इस तरह इसको सेट कर लिया। अब मैं यहाँ सिलाई लगाऊंगी, तो सिलाई हमें यहाँ बिल्कुल इसके साथ साथ लगानी है। इसको कटिंग करके हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ गुलाई में हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। कि मैंने इस तरीके से इसको अच्छे से सेट कर लिया है। यहाँ पे अब हम निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाऊंगी मैं, बिल्कुल हल्का सा निशान लगाएंगे ताकि ये हमें नज़र आए, क्योंकि अभी हमें यहाँ काम करना है। तो दोनों साइड पे इस तरह से 1 इंच पे हम निशान लगा लेंगे, और यहाँ से रख के हमें ये लेस लगानी है। तो यहाँ तक की हमें लेस लगानी है, तो ये लेस हमें इस तरह से दिखानी होगी, देखते हुए इस तरह से यहाँ तक की लगा लूँगी, और 1 इंच का हम यहाँ पर ही छोड़ देंगे। इसमें यहाँ लेस लगा लिए, और अब ये वाला कपड़ा जो है हमारे पास, ये हम इसमें अंदर लगाएंगे। तो जहाँ से हमने बेल लगाई है यहीं से हमें ये अंदर कपड़ा लगाना होगा ताकि ये अंदर से नजर ना आए। तो इसको मैं इस तरह डबल करके लगाऊंगी कपड़े को। तो इसको नापते हुए यहाँ से बस हम 1 इंच इसको एक्स्ट्रा रखेंगे, और ये मैंने डबल लिया है। तो ये देखें यहाँ से ये बंद है, ये बंद वाला साइड हमें ऊपर रखना होगा। इसको हम यहाँ पर पहले सीधा कर लेते हैं, इस तरह से ये सिलाई लगा लेनी है इसमें। तो अभी हम सिलाई लगाते हुए आएंगे, पूरे ऊपर से सिलाई लगाते हुए आएंगे, बारीक सी उसे मिला देंगे। तो यहाँ पे अभी हम इसको पिनों से इस तरह सेट कर लेते हैं, हम पूरी ऊपर गले से लगाते हुए आएंगे,
और यहाँ ला के इसको सिलाई को मिला के वापस से टर्न करते हुए पूरी कवर कर लेंगे इसे। देखिए हमारा नेट डिज़ाइन बनके तैयार है। अब यहाँ इसके जो बैक साइड पे एक्स्ट्रा कपड़ा जितने को हम कटिंग करके इस तरह से निकाल लेंगे। फिनिशिंग के साथ नेट डिज़ाइन बनके हमारा तैयार है।